हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड विकी वीरेन। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे टॉप 5 बॉलीवुड सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की। दोस्तों, ये सभी फिल्में यूट्यूब पर अवेलेबल हैं और आपको इसे कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इन सभी फिल्मों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मेरे भाई, आगे बढ़ने से पहले वीडियो कर दो लाइक, और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, साल 2019 की ए साली आशिकी इस लिस्ट की पहली फिल्म है। IMDB ने इसे 7.9/10 की रेटिंग दी है और 96% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। वर्धन पुरी और शिविका ओबेरॉय इसके लीड रोल में हैं। आपको बता दें कि वर्धन पुरी मशहूर खलनायक स्वर्गीय अमरीश पुरी के पोते हैं और यह उनकी पहली फिल्म है। और शिविका ओबेरॉय ने भी इसी फिल्म से बॉलीवुड फिल्मों में डेब्यू किया है। इस फिल्म में आपको प्यार, फरेब, कत्ल, बदला और गुस्सा के साथ एक एक करके कई ऐसे गहरे राज देखने को मिलेंगे जो किसी का भी होश उड़ा सकते हैं। वैसे भी न्यू जनरेशन को यह फिल्म एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। 2013 में रिलीज श्री इस लिस्ट की दूसरी फिल्म है। IMDB ने इसे 6.4/10 की रेटिंग दी है और 86% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। हुसैन कुआजेर वाला और अंजलि पाटिल इसके लीड रोल में हैं। दोस्तों, यह एक साइंस फिक्शन फिल्म है। इस फिल्म की स्टोरी बहुत ही यूनिक है। फिल्म कहीं भी हमें बोर नहीं करती है और फिल्म में सस्पेंस लास्ट तक बना रहता है। इस लिस्ट की तीसरी फिल्म साल 2017 की फ्लैट 211 है। IMDB ने इसे 5.6/10 की रेटिंग दी है और 60% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। यह एक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है। फिल्म की स्टोरी मुंबई के एक फ्लैट से शुरू होती है। उस फ्लैट में आयशा का खून हो जाता है जिसका इल्ज़ाम सुहेल पर जाता है जो कि एक कास्टिंग डायरेक्टर है। इसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है। फ्लैशबैक में हमें फ्लैट 211 के कुछ गहरे राज पता चलते हैं, पर आयशा का असली कातिल कौन है और उसका आयशा के कत्ल के पीछे क्या मोटिव है, ये तो हमें फिल्म के लास्ट में ही पता चलता है। साल 2007 की स्ट्रेंजर्स फिल्म की स्टोरी में दो अजनबी लंदन की ट्रेन में ट्रैवल के दौरान मिलते हैं। आपस में बातचीत करने के बाद उन्हें पता चलता है कि वे दोनों अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं हैं और वे एक दूसरे की पत्नियों को मारने का निश्चय करते हैं। पर क्या वे कामयाब होंगे या फिर वे किसी नई मुसीबत में फंसने जा रहे हैं, ये तो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। के मेनन, जिमी शेरगिल और नंदना सेन इसके लीड रोल में हैं। IMDB ने इसे 5/10 की रेटिंग दी है जबकि 74% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। 2005 में रिलीज हुई नज़र इस लिस्ट की पांचवी फिल्म है। मीरा, अस्मित पटेल और कोयल पुरी इसके लीड रोल में हैं। IMDB ने इसे 4/10 की रेटिंग दी है जबकि 72% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। फिल्म में दिव्या एक पॉप स्टार है। एक दिन शूटिंग से घर वापस आते समय उसे रोड पर एक डेड बॉडी मिलती है और इसके बाद से ही दिव्या फ्यूचर के विजन देखने लगती है। इसी बीच शहर में एक के बाद एक डांस बार गर्ल के मर्डर होने लगते हैं और अजीब बात यह है कि इन सारे मर्डर के विजन मीरा पहले ही देख लेती है। अब बार गर्ल के मर्डर से मीरा का क्या कनेक्शन है और इन बार गर्ल्स का कातिल कौन है, ये तो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। तो मेरे भाई, ये थी टॉप 5 बॉलीवुड सस्पेंस थ्रिलर मूवीज। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इफ यू लाइक वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।